गाइस तो यहाँ पर आज इंडिया में अपडेट्स मिलना स्टार्ट हो चुके हैं फाइनली MIUI 13 के, और काफी सारे नए डिवाइस को भी अपडेट्स देखने के लिए मिले हैं। इसके अलावा Redmi Note 10 Pro Pro Max के लिए भी इंडिया में MIUI 13 को लेके एक न्यूज आई है ऑफिशियल, वो मैं आप लोगों को बताने वाला। इसके अलावा इंडिया में और कुछ नए डिवाइस को अपडेट्स देखने के लिए मिले, इसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को बस पूरे एंड तक देखते रहना। तो गाइस यहां पर हम लोग बात करने वाले MIUI 13 अपडेट के बारे में। आज इंडिया में काफी सारे डिवाइसों में देखने के लिए मिला है। सबसे पहले बात करते हैं पोको XC Pro के बारे में। फाइनली गाइस यहां पर पोको XC Pro के लिए भी MIUI 13 अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है, जिसका बिल्ड नंबर स्क्रीन पर देख सकते हो। MIUI 13.0.3.0 का बिल्ड नंबर मिलता है, 3.1 GB की साइज है, सिस्टम का ऑप्शन है एंड्रॉइड 12 मिलता है, फरवरी 2022 का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है। अब ये जो अपडेट है ग्लोबल यूजर के लिए मिला है, और इससे पहले ही कुछ पायलट यूजर को मिला था, लेकिन यहां पर इसको आज से पार्शियली रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप ये पोको XC Pro का ग्लोबल वेरिएंट है तो आप लोग जाकर चेक कर लो, आप लोगों के लिए फाइनली अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। वैसे मैंने इसके बारे में सुबह वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दिया था, इंडिया में कब तक सभी लोगों को मिलेगा वो भी मैंने आपको उसी वीडियो में बता दिया, वो वीडियो जाकर चेकआउट जरूर कर लेना, चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर अगर आपके पास Redmi 9 Prime का डिवाइस है, तो यहां पर अगर आप लोगों को अभी तक न्यू अपडेट नहीं मिला था तो फाइनली यहां पर फुल्ली रोल आउट लगभग हो चुका है Redmi 9 Prime यूजर के लिए न्यू अपडेट। और मैं बात कर रहा हूं इंडिया की, यहां पर आप लोग देख सकते हो MIUI 12.5.3.0 का बिल्ड नंबर है, 451 MB की साइज देखने के लिए मिलती है, आज भी कुछ यूजर को देखने के लिए मिला है। तो जाकर फटाफट चेकआउट करो जिनको अभी तक इंडिया में Redmi 9 Prime में न्यू अपडेट नहीं मिला है। इसके अलावा नेक्स्ट डिवाइस की बात करते हैं, MI 11X Pro के लिए फाइनली इंडिया में MIUI 13 अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पर MI 11X Pro का नाम देखने के लिए मिलता है, और ये अपडेट इंडिया में मिलना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो MIUI 13.0.1.0 का बिल्ड नंबर देखने मिलता है, इस टाइम पे ये अपडेट देखने के लिए मिला है, 3.1 GB की साइज देखने के लिए मिलती है। और इस अपडेट में आप लोगों को क्या क्या नया मिलता है, MIUI 13.0.1.0 का बिल्ड नंबर है, और यहाँ पर सिस्टम का ऑप्शन है एंड्रॉइड 12 मिलता है, फरवरी 2022 का सिक्योरिटी पैच अपडेट है, मोर फीचर एंड इंप्रूवमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर ये अपडेट फाइनली इंडिया में रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है MI 11X Pro के लिए। इसका मतलब यहाँ पर समझ लो आप लोग कि यहाँ पर MI 11 के सभी डिवाइसों में अब इंडिया में MIUI 13 अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। अभी कुछ ही यूजर को मिला है, थोड़ा सा वेट करो, सभी यूजर को मिलने वाला है। अब बात करते हैं Redmi Note 10 Pro Pro Max यूजर के लिए गुड न्यूज है MIUI 13 अपडेट को लेके। तो न्यूज है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंडिया के लिए Redmi Note 10 Pro Pro Max के लिए विल सून रिसीव MIUI 13 अपडेट, यानी बहुत ही जल्द रोल आउट होने वाला है। इसका जो बिल्ड नंबर है वो भी सामने निकल के आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो MIUI 13.0.1.0 का बिल्ड नंबर देखने के लिए मिलने वाला है, और यहाँ पर ये कुछ डेवलपर को अपडेट देखने मिला है, मतलब टेस्टिंग यूजर को अपडेट देखने के लिए मिला है, जिसमें ये बिल्ड नंबर देखा गया है Redmi Note 10 Pro Pro Max के लिए। तो ये बात कंफर्म हो गई कि अब यही बिल्ड नंबर आप लोगों को मिलने वाला है इंडिया में Redmi Note 10 Pro Pro Max के लिए। और यहाँ पर जब ये सामने निकल के आ चुका है, तो ये जो अपडेट है ना भाई, एनी टाइम आपके डिवाइस में रिलीज हो सकता है, मतलब एनी टाइम पायलट यूजर को अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। मतलब मैं आपको पहले ही बता रहा था मार्च के महीने में आप लोगों को डेफिनेटली अपडेट मिलने वाला है, जो कि यहां पर ये चीज कंफर्म हो जाती है। इस महीने तक एंड तक वेट करो, आप लोगों को MIUI 12.5 MIUI 13 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा गाइस। तो इसके ऊपर तो एक लाइक बनता है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो, लेकिन उससे पहले आप लोग बता दो, जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया फटाफट से यार ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि अपडेट की लिंक्स वगैरह आपको न्यूज वगैरह यहां पर सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहेगी। और यहां पर आप लोग देख सकते हो फाइनल Redmi Note 11 Pro 5G वेरिएंट देखने को मिला है, जो कि Poco X4 Pro के नाम से भी देखने के लिए मिलता है। तो इंडिया में Redmi Note 11 सीरीज के लिए भी एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिला है, मतलब अलग अलग नाम देखने के लिए मिलते हैं, ग्लोबल में अलग मिलता है, इंडिया में नाम अलग मिलता है। तो यहाँ पर फाइनली MIUI 13 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। MIUI 13.0.2.0 का अपडेट है, लेकिन यहाँ पर Android 11 का ही अपडेट मिलता है। अब Android 12 अपडेट शायद बाद में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ ही यूजर को मिला है, पायलट यूजर को मिला है, वेट करो। इसके अलावा Poco X2 यूजर के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर फाइनली MIUI 13 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पर चाइना में Redmi K30 के नाम से देखने मिलता है, लेकिन इंडिया में Poco X2 के नाम से यही डिवाइस देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि Redmi K30 यानी कि Poco X2 के लिए चाइना में स्टेबल अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है MIUI 13.0.1.0। इससे एक चीज क्लियर साफ हो जाती है कि ये जो अपडेट है अब इंडिया में बहुत ही जल्द रोल आउट होने वाला है Poco X2 में। चाइना में हो गया है, तो यहाँ पर 3 या 4 वीक का आप लोगों को वेट करो, जल्दी अपडेट मिल जाएगा। मतलब डायरेक्ट बात करूँ तो मार्च के बाद आप लोगों को Poco X2 में Android 12 और MIUI 13 का अपडेट इंडिया में मिलना स्टार्ट होने वाला है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आप लोग के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट डिवाइस की बात करो, Redmi Note 11 के लिए इंडिया में एक न्यू अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है गाइस। यहाँ पर MIUI 13.0.8.0 का बिल्ड नंबर है, और Android 11 अपडेट के साथ ही मिलता है। तो Android 12 अपडेट के लिए तो भैया वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन फिलहाल के लिए MIUI 13 अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है, जिनके पास से चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पर
ये सारे डिवाइस को आज अपडेट्स देखने के लिए मिले। अब यहाँ पर जिन डिवाइस को अपडेट्स नहीं मिले, जैसे जिनके पास Poco M2 Pro का डिवाइस है, Poco M2 का डिवाइस है, Poco M2 के लिए तो शायद कुछ ही दिन पहले एक न्यू अपडेट ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन Poco M2 Pro के लिए कब मिलेगा MIUI 13 का अपडेट, ऐसे काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, वेट करो, आप लोगों को एक अलग से वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए डायरेक्ट बात करूँ तो आप लोगों को थर्ड या सेकंड बैच की लिस्ट में आपके डिवाइस का नाम देखने के लिए मिल सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम है यार। मार्च के बाद एक और मंथ आएगा, उसके बाद ही अपडेट शायद देखने के लिए मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि मार्च के बाद तो ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, तो थोड़ा सा वेट करो। और Redmi Note 8 यूज़र को लेके सवाल आ रहे थे, भैया Redmi Note 8 में न्यू अपडेट कब मिलेगा? तो मेरे ख्याल से ग्लोबल में एक न्यू अपडेट कुछ ही दिन पहले देखने मिला है, इंडिया में भी शायद एक न्यू सिक्योरिटी अपडेट आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन MIUI 13 अपडेट इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला, आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए गाइस यहां पर आज की इस वीडियो में इतना, यार जो भी अपडेट्स मिले हैं मैंने आप लोगों को फटाफट से वीडियो में बता दिए। फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर लो, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब का उसको प्रेस करके बाजू में बेल आइकन इस पर ऑल पे पिक कर देना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मिलते अगले वीडियो में, बाय।